नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों, आज काफ़ी टाइम से मलेशिया से रिलेटेड बात करेंगे। लगभग 7-8 दिन से, 10 दिन से लगभग मैंने वीडियो नहीं डाल पाया था। काफ़ी लोगों के कमेंट भी आ रहे थे, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मलेशिया से रिलेटेड बात करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये वीडियो उनके लिए फ़ायदेमंद है जो वर्क परमिट में वहाँ हैं या उनको रिन्यू करवाना चाहते हैं, या फिर जिनको काफ़ी टाइम हो गया काम करते हुए, उनके लिए वीडियो फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए शॉर्टली तरीके से अपन इसको शुरुआत करते हैं साथियों। तो साथियों, ये जो अप्रैल 30 अप्रैल 2019 से जो बदलाव हुए हैं, 10 साल के बाद जो लोग वीज़ा रिन्यू करवाते हैं, जिनका ये वीज़ा रिन्यू कौन करवाते हैं, जिनका कंपनी के साथ अच्छा टाइप होता है, या कंपनी ये चाहती है कि भाई ये बंदा अपने साथ ही रहे, अपनी कंपनी में काम करे, जिनके अच्छे लिंक बन जाते हैं, वो बंदा लंबे लॉन्ग टाइम के लिए कंपनियों में रुक जाते हैं, आगे भी वो रिन्यू करवाने की सोचते हैं, उनका खर्चा बहुत ज़्यादा है। कंस्ट्रक्शन सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग ये 10वीं साल यानी 11वीं साल में अगर वो वीज़ा रिन्यू करवाएंगे तो कम से कम आपको 10,000 रिंगिट पे करने पड़ते थे 30 अप्रैल 2019 से पहले। लेकिन अभी इसमें बदलाव ये हो गया कि अभी 10,000 की जगह आपको 6,000 रिंगिट ही देने पड़ेंगे, ठीक है, 11वीं साल वीज़ा रिन्यू कराओगे तो, ठीक है साथियों। और जो एग्रीकल्चर प्लांटेशन, इसका पहले 11वीं साल में 6,000 रिंगिट लगता था, इनका इन्होंने कर दिया 3,500 रिंगिट, यानी 11वीं साल में आप वीज़ा रिन्यू करवाओगे तो 3,500 रिंगिट इसमें पे करना पड़ेगा, यानी आधा हो गया इसका। हालांकि ये कौन भैया कौन टिकता है 10 साल तक, तो बहुत बड़ी बात होती है, 10 साल की छूट तो 3 साल ही लोग नहीं टिकते कंपनियों में, ठीक है साथियों। दूसरी न्यूज़ साथियों ये है, आपको लिए बता दूं कि बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि सर एक साल के बाद वीज़ा रिन्यू करवाते हैं तो कितना खर्चा लगता है, ठीक है, कितना पैसा लगता है। तो ये बात भी इसमें साथ में शेयर मैं कर देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि एक साल से 3 साल तक का कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन उस वीज़ा को आप 10 साल तक रिन्यू करवा सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिट है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, उनको तो ये लगता है कि एक साल का ही पैसा लग रहा है, 1,00,000 रुपये, 1.5 लाख रुपये या 3 साल तक का अग्रीमेंट होता है, लेकिन मैं बता दूँ 10 साल तक इस वीज़ा को आप रिन्यू करवा सकते हैं मलेशिया गवर्नमेंट लॉ के अनुसार, ठीक है साथियों। इसमें मैं बता दूँ साथियों कि एक साल के बाद अगर आप उस वीज़ा को रिन्यू करवाते हो तो जैसे कंस्ट्रक्शन सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग, ये 3 कैटेगरी के जो वीज़ा है इनका लगेगा आपको 1,850 रुपये लेवी फीस आपकी लगेगी एक साल की, ठीक है। अलग ही एजेंट इसको बढ़ा के कोई 4,000 ले लेता है, कोई 5,000, कोई 4,500, ऐसे लोग डबल पैसा ले लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कंस्ट्रक्शन सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग एक साल के बाद अगर वीज़ा को खुद आप रिन्यू करवाते हो तो 1,850 रुपये आपका लेवी फीस लगेगी। और उसके बाद में आप मान लीजिए एग्रीकल्चर और प्लांटेशन वीज़ा होता है, ठीक है, इनको अगर आप एक साल बाद रिन्यू करवाते हैं तो मात्र 650 रुपये लेवी फीस है, ठीक है। आप देने को आप चाहे 2,000 दे दो, चाहे 1,500 दे दो, चाहे आप 2,500 रुपये दे दो, लेकिन साथियों सच्चाई यही है। मैंने ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, जो आगे भी जो वीज़ा रिन्यू करवाना चाहते हैं, तो ये फीस उनकी लगेगी, मैंने आपको क्लियर कर दिया। फिर भी आपका कोई बात पूछनी है तो आप नीचे कमेंट कर दें, आंसर देने की मैं कोशिश करूंगा। और साथियों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर रोज़ ऐसे टॉपिक पे सही जानकारी, सही मोटिवेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।